नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल प्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कामरेड राम प्रसाद पाठक जी पंचतत्व में विलीन, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। देश की स्वतंत्रता में अपना तन मन धन समर्पित करने वाले बालाघाट जिले के अंतिम जीवित सेनानी कामरेड राम प्रसाद पाठक पंचतत्व में विलीन हुए। वे लगभग 100 वर्ष के थे। उनके बारे में जानकारी रखने वाले बताते हैं कि उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए। वे मूलतः सिवनी के रहने वाले थे। वहीं उन्होंने एक बार कलेक्ट्रेट का घेराव किया, म्यूनिसिपल स्कूल भवन पर तिरंगा झंडा फहराया और अन्य छोटे बड़े आंदोलनों में सक्रियता दिखाई थी, जिसके चलते वे 5 बार जेल गए। आज़ादी के बाद वे अपने ससुराल लाल बर्रा में आकर रहने लगे और श्रमिकों के हक की लड़ाई में सदैव आगे रहे। उन्हें श्रमिक नेता होने के नाते कामरेड भी कहा जाता था। बालाघाट, सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। अब बालाघाट जिले में आज़ादी के आंदोलन के दौरान कोई भी फ्रीडम फाइटर जीवित नहीं रहा, उनकी स्मृति हमारे बीच शेष है। मैं पाठक जी के संबंध में इतना कहूँगा कि विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। उनको संस्कृत का, कुंडलियों का, शास्त्रोक्त ज्ञान था। उनका कार्यक्षेत्र सिवनी रहा है। बाद में चूंकि यहाँ उनकी ससुराल थी तो वो यहाँ लालबर्रा आ गए और लालबर्रा आने के बाद उन्होंने बालाघाट जिले को अपनी कर्मस्थली बनाया और वो श्रमिक आंदोलन से जुड़े। पहले वो प्रजा समाजवादी पार्टी में थे, बाद में फिर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद CPM में, मतलब CPM का काम शुरू किया और आज जो बालाघाट जिले में We'll be right back.